अच्छा वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। आज हम पूरा प्रोसेस पढ़ते हैं। प्रोसेस क्या? लॉगिन साइन अप के अंदर रीडिंग कैसे करते हैं कि बंदा साइन अप है या लॉगिन है। अच्छा बातें नहीं, यही सेम प्रोसेस जो हम पढ़ेंगे ना, ये सेम अप्लाई होगा फायरबेस के अंदर। फायरबेस के अंदर आपको क्या ऐसी की मिलती थी, याद है कुछ? ये मोबाइल हाथों से रखते हैं आप लोग, तुम भी रख दो सारे। हाँ क्या बोल रहे हो? यार एक तो ये फायरबेस से होते चलता है, फायरबेस फायरबेस है ना हमारे पास। अगर आप लोग याद हो तो ऑथेंटिकेशन का एक पूरा कलेक्शन थी, जिसके अंदर यूजर्स जो हम पहले साइन अप कर लेते थे एक दफ़ा वहाँ मौजूद रहते थे और उनका डेटा कलेक्शन के अंदर ऐड रहता था, ठीक है। उससे वो आइडेंटिफाई कर लेता था कि लॉगिन है या साइन अप है, ये कहीं हो गया अलग प्रोसेस। लॉगिन साइन अप होने के बाद हम क्या करते थे कि हमें मिलती थी यूज़र की आईडी, यूआईडी, वो हम सेव करा लेते थे। वो हमें सेव कराना चाहिए लोकल स्टोरेज के अंदर, ताकि लोकल स्टोरेज हमेशा सेव हो जाए। अब आपने कंप्यूटर बंद किया, ब्राउजर रीसेट हो गया, अगर आपके सेशन हो गया, लेकिन लोकल स्टोरेज नहीं जाती। तो ईजी वे ये है कि आप लोकल स्टोरेज गेट कर लो, चेक कर लो, ट्राई मारते हैं कि क्या कहना चाह रहा हूँ। सेलेक्ट फोल्डर कौन सा था मेरा डेस्कटॉप के अंदर, शायद ये वाला हो, नहीं ये तो नहीं थी, यही थी या नहीं, हाँ यही थी। अगर आप लोग को याद हो नहीं आ रही, हाँ कल मैं राउंड कर ली, लाइटिंग का कोई इशू तो नहीं हो रहा सब नज़र आ रहे हैं? अच्छा लोकल स्टोर से बड़े बड़े काम होते हैं, बस मसला ये कि उसके अंदर आप स्ट्रिंग सेव करा सकते हो। स्ट्रिंग सेव करा सकते हो तो इसका मतलब तुम आप इसके साथ शुरू हो गए, तुम चुप नहीं रह सकते। हाँ लोकल स्टोर में हम सिर्फ स्ट्रिंग सेव करा सकते हैं। अब एरे और ऑब्जेक्ट का क्या करें, हाँ कन्वर्ट करना, ठीक हो गया। कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, इंस्पेक्ट एलिमेंट खोल के ज़रा सा हल्का सा फ्लो देखते हैं, कंसोल में गए। अब मेरे पास है फॉर एग्जांपल वार ए टी सी इक्वल टू एरे 1 2 3, अभी है एरे, इसके अंदर नंबर है। अब मुझे अगर सेव करना है लोकल स्टोरेज अभी लाइन बता रहे हैं डॉट गेट आइटम, बल्कि गेट आइटम तब करते हैं जब हमें कुछ मंगाना हो। अभी हमें सेट करना है, सेट आइटम नॉट वेट, ये है फंक्शन, ये लेता है दो पैरामीटर। सेट वाला जो होता है दो पैरामीटर लेता है, गेट वाला एक पैरामीटर लेता है, क्योंकि उसको फिर मंगाना होता है नाम से। सेट वाले में एक तो नाम भी बताना होता है, क्या सेट करना है वो भी बताना होता है। अब मैंने इसको बोल दिया कि फॉर एग्जाम्पल यूज़र आईडी। अब अगर मैं इसमें यूज़र आईडी सेव करा तो क्या सेव कराऊँ, भले मैं बोलूँ सिर्फ ट्रू या फॉल्स, इससे मुझे पता चलेगा कि यूज़र लॉगिन हुआ था। कैसे कि अगर फायरबेस में मेरा सेशन सक्सेसफुली डन हो जाता है तो मैं सपोज कर रहा हूँ सेट आइटम लोकल स्टोरेज सेट आइटम और उसके अंदर यूज़र आईडी इक्वल टू ट्रू, और जब पेज रीलोड हो यूज़र बैक के अंदर मैं पूछ लूँगा भाई यूज़र लोकल स्टोरेज और गेट आइटम यूज़र आईडी। अगर
डेटा आइडेंटिफाइड नहीं है, इसका मतलब आईडी मौजूद है या ट्रू मौजूद है। अगर आइडेंटिफाइड नहीं तो मतलब यूज़र लॉगिन हुआ ही नहीं था। चलो हो गया लॉगिन, लॉगआउट पर बटन पे क्लिक करें तो दोबारा लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम यूज़र आईडी। समझ आया? लोकल स्टोरेज के तीन होते हैं, सेट, गेट और रिमूव। और भी है गेट ऑल कीज। फायरवेज में नहीं आएगा, बिल्कुल। फायरवेज में आपके पास डिलीट अकाउंट करने का ऑप्शन होता है, वो एप्पल के लिए ज़रूरी नहीं है। आपको एप स्टोर पर डालिए ना, तो कुछ पॉलिसीज होती हैं कि भाई अकाउंट डिलीट भी कर सके बनता, क्योंकि हमारे यहाँ इसमें कोई मसला नहीं है कि आपके फेसबुक आई डी बनी नहीं, कोई मसला नहीं। उस दिन मैंने एक बंदी को रिक्वेस्ट भेजी थी, उससे पूछ रहा है कि आपकी फेसबुक की रिक्वेस्ट है या हम कहाँ मिले। अब हम लोग फेसबुक इतना सीरियस रहते हैं क्या? फैक्टर फैक्टर जिसको रिक्वेस्ट भेजेंगे भेज दो, और एक्सेप्ट जिसकी आ रही आने, तो भाई हमारे फॉलोअर्स बढ़ने, ये फील होता है। लेकिन वो लोग पूरा तो ऐसे लेके चलते हैं जैसे उनकी घर की किताब है। तो अकाउंट डिलीट करना, ऐड करना, ये पूरी वहाँ पॉलिसी होती है कि अगर आपका अकाउंट डिलीट नहीं हो रहा ना एप्लीकेशन के अंदर, तो कोर्ट में फाइल कर देंगे, हाँ केस खड़ा कर देंगे, भाई हमारा अकाउंट डिलीट नहीं हो रहा, हमारा ईमेल एड्रेस वहाँ पड़ा हुआ। अगर आपके पास किसी अंग्रेज का फ़ोन नंबर है और वो नहीं चाह रहा है आपके पास, तो वो बड़े नाराज़ हो गए। मैंने ऐसा भी देखा है, एक दिन मैंने एक पुराने क्लाइंट को ई मोबाइल बोल दिया, अरे ई तो हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, सॉरी ई मोबाइल क्या बोलते हैं, हैप्पी न्यू ईयर बोल दिया। तो उसने पूछा आपको मेरा नंबर अभी तक है, हाँ, या फिर उसने बोला नंबर कहाँ से आया, तो उसको बताया, बोला यार डिलीट कर दो, मेरी प्राइवेसी है, वरना जो है ना मुझे पुलिस एक्शन लेना पड़ेगा। और क्या हो गया, ऐसा होता है वहाँ स्पैम कॉल के लिए भी बड़े सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, ऑटो ब्लॉकिंग भी इसीलिए आ गई है, अब तो बंद हो जाते हैं, इसीलिए लोग अब फेसबुक मार्केटिंग की तरफ चले गए। पहले तो कॉल करके ऑटो ब्लॉक हो जाती है। तो हमें अकाउंट डिलीट करने का ऑप्शन देना होता है, और पूरी प्राइवेसी पॉलिसी जो हमें ना हमें पूरी लिखनी होती है हर एप्लीकेशन में, ये प्राइवेसी पॉलिसी है, ठीक है। तो लोकल स्टोरेज सेट आइटम तो हमने देख लिया, और इसके अंदर हम पास कर सकते हैं स्ट्रिंग, जैसे कि हाय हेलो कुछ भी, ये ऐसे ही ऐसे सेव हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे ये सेव कराना है एबीसी, चेक करते हैं, गेट आइटम 123 खुद ही स्ट्रिंग के अंदर जाके सेव हो गया, खुद ही हो गया। लेकिन ये काम हम सेम काम अगर हम कोड से ट्राई करें, मे बी एरर आ जाए, कंसोल में तो ये इसके चेक कर लेते हैं, या फिर एक और चीज़ ट्राई करते हैं, सेट आइटम ए बी सी की जगह ये करते हैं कर्ली ब्रैकेट अब बनिया ऑब्जेक्ट, और इसको बोलते हैं नेम अहमद। अब ट्राई करते हैं ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, अब ये मसला आ गया। चलो एरे को आप ये भी हमें समझ आएंगे कि एरे कभी कभी तो खैर ऐसा कुछ नहीं होता, या तो कंसोल की वजह से होगा, या फिर ये मेथड ही होगा कि आप एरे को डायरेक्टली अगर लोकल स्टोरेज सेव करते हो तो वो खुद ही स्ट्रिंग बनकर सेव हो जाएगी। लेकिन इसका एक नुकसान भी हो सकता है कि 123 को दोबारा एरे में कन्वर्ट कैसे करोगे, स्प्लिट से है ना, फिर क्या करता है जावास्क्रिप्ट का टेम्प फालतू की स्पेस जो होती है कम करता है। स्प्लिट क्या करता है ना, स्प्लिट नहीं, स्प्लिट वो तुम जो बता रहे हो वो है स्प्लिट, हाँ स्प्लिट कॉमा या जो भी चीज़ बताएंगे उससे कॉपी कर देगा, ठीक है। और स्प्लाइस, स्प्लाइस क्या करते हैं, कॉपी करता है ना, हम बताते हैं उसको कौन सा एलिमेंट था, हाँ। तो अगर मुझे इस 123 को दोबारा एड बनानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा इसकी डेटा, और उसमें हम बोलेंगे डॉट स्प्लिट कॉमा, तो दोबारा तीनों को हेलो करना पड़ेगा। अगर मैं चाहूँ ऐसा ना हो, हमारे पास अच्छा, और ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, अब इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते, इसको क्या करेंगे,
नेस्टलेट होगा ना कुछ होगा। अब इसका मतलब ये तरीका सही नहीं है था कि हम अगर ये करना चाह रहे हैं तो हम ये करते हैं, हमारे पास एक मेथड है जेसन, इसको हम बताएंगे कि फिर क्या करना है। स्ट्रिंग की फाइल मॉडल क्या हुआ, हाँ जो भी अपडेट उसको स्ट्रिंग फाइल कर दो, मतलब स्ट्रिंग बना दो, ठीक है, राउंड ब्रैकेट उसके अंदर वैल्यू आपने डाल दी ऑब्जेक्ट पूरा और यहाँ ही बंद कर दिया। अब देखो क्या होता है, यूजर आईडी नेम है बस आ गया, ये कम जेन्युइन फिटिंग है इसकी। अब इसका अगर मुझे दोबारा फॉर एग्जाम्पल वार्ड गेट यूजर आईडी इक्वल टू लोकल स्टोरेज गेट आइटम, ये अच्छा ये यहाँ पे हो, यहाँ पे तो फॉर्म गेट कर रहा है लेकिन टाइम लेता है, मिली सेकंड भी लेता है, तब क्या करेंगे हम, सेकंड पर मिल जाएगा। अवेट लगा देंगे, ठीक है, केसिंग अवेट इन जगह भी यूज होता है क्योंकि भले सिस्टम से ला रहा है। देखो कैलकुलेशन जो होती है ना, कंप्यूटर कैलकुलेटर फास्ट होता है, कैलकुलेशन हो लॉजिक हो जो भी हो वो सब यहाँ हो जाता है। अगर आप अपने पीसी से डेटा मंगा रहे हो वो एसएसडी में जाके हार्ड ड्राइव में जाके ढूंढेगा डेटा तो मिली सेकेंड्स लगते हैं फिर डेटा आ जाता है। हाँ दूसरे कंप्यूटर में पढ़ा है मतलब दूसरा कंप्यूटर मतलब सर्वर उससे मंगा रहे हो तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि वो एयर से ला रहा होता है, लाइक कनेक्टिविटी से ला रहा होता है तो टाइम तो लगेगा। तो आप इसी अवेट ला सकते हो, फंक्शन में अवेट लगा दोगे, सॉरी लोकल स्टोरेज पहले अवेट लगा दोगे, अवेट लगाने के लिए आपको फंक्शन एसिंक्रोनस बनाना पड़ेगा तो उसमें आप एसिंक लगा दोगे। अगर एसिंक अवेट नहीं लगाना तो आप या देखिए अब गेट यूजर आईडी आ जाएगा, अगर ये नहीं लगाना तो आप ये कर सकते हो कि डॉट डैन डॉट कैश लगा दो, उसमें भी आपको जब डेटा कंप्लीट होगा तो आपको मिल जाएगा डॉट डैन। अच्छा वार्ड पार्स आईडी, अब मैंने बोला गेट यूज़र आईडी जो भी डेटा था उसमें जो भी है उसको आप क्या करो, बल्कि नहीं अब मैं कह रहा हूँ जेसन क्या करो पार्स करो। अगर डेटा किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो हम बोलेंगे स्ट्रिंग में और उसके अंदर पूरा ऑब्जेक्ट पार्स कर देंगे। अगर ऑलरेडी स्ट्रिंग में है अब उसको बोलोगे पार्स करो तो वो स्ट्रिंग लेगा और उसको पार्स कर लेगा। मैंने इसको यहाँ पे यही वाला ऑब्जेक्ट दिया तो दोबारा वही अपनी असल सूरत में आ गया, सही इससे क्या समझ आया, ऑब्जेक्ट को एरे हो हम इसके अंदर पास कर सकते हैं। तो अभी बताओ अब लॉजिक कैसे बनेगी एक्टिव गार्ड, अब वहाँ पर अगर पाना है बच्चे का टाइम उसी से खुलेगा, ट्रॉलर का टाइम उसी से खुलेगा, हाँ हो सकता है किसी का नट इधर उधर दिए हो किसी का इधर दिया हो किसी को उधर दिया हो, लॉजिक तो सेम होगी। तो अब देखा जाए कि कैसे हो रहा है, क्या ज़रूरत मतलब एक्सप्लेन करो ना थोड़ा, लॉजिक बनाओ माइंड में तो बना सकते इतने महीने हो गए। ऐड टू कार्ड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं सारे, ऐड टू कार्ड करना है तो लोकल स्टोरेज हम सेव कराएंगे ताकि रिलोड करते ही गायब ना हो जाए, सेव रहे सेम फॉर ऐड टू फेवरेट। बिल्कुल बहुत सारी ऐड्स हैं सबके ऑब्जेक्ट बने, सब पे बटन लगा हुआ ऐड टू कार्ड का, आपने गाड़ी वाली ऐड पे दबा दिया ऐड टू कार्ड, फिर क्या हुआ बैकएंड पे और क्लिक का फंक्शन गायब हो गया, फिर जिस बटन पे क्लिक किया उसकी आईडी भेज दी, सही फंक्शन के अंदर आईडी भी मिल गई,
ठीक है, अच्छा आईडी की जगह पूरा डेटा एक साथ भेज दो, क्योंकि मैप चल रहा है, आइटम भेज दूंगा पूरी। सब समझ रहे हैं ना क्या डिस्कशन हो रही है? चलो पूरी आइटम भेज दी मैंने डेटा फंक्शन के अंदर, आइटम मुझे उस फंक्शन के अंदर मिल गई है। फिर नहीं अभी लोकल स्टोरेज कर रहे हैं, दूसरे पेज पे जाकर तुम्हें सिर्फ गेट करना है और डिस्प्ले कराना है। असल काम तो ये ना गेट टू गेट हो कैसा है। चलो आइटम आ गई, एक आइटम आई, आपने उसको एरे के अंदर रख दिया क्योंकि एरे में होना चाहिए डेटा, क्योंकि 10 ऐड हो या एक आइटम होनी एरे के अंदर चाहिए क्योंकि मल्टीपल होंगी, ऐसा ही है ना। चलो एक ऐड आई, आपने उसको खुद ही एरे में रख दिया, और या फिर ऐसा करो एक खाली एरे बना दी फंक्शन के अंदर, हमने जिस पर क्लिक किया एरे के अंदर वो पुश करा दिया। अब एरे के अंदर एक चीज़ है, आपने सेम न्यू लाइन यूज़ करी, लोकल स्टूडेंट सेट आइटम, यूजर आईडी की जगह आप लिख दोगे क्या कार्ट लिस्ट कॉमा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और इसकी जगह ये स्ट्रिंगिफाई के अंदर क्या लिख दोगे वो जो आपको डेटा मिला होगा एरे के साथ आपने लिख दिया, सेव हो गया। एक लिखा क्या देखो आईडी भी लिख सकते हो, पूरा डेटा भी मिल, आपको डेटा तो मिल ही रहा है ना, क्योंकि ऐड तो शो हो रही है, इसका मतलब उसमें इमेजेस भी है, टाइटल भी है, सब कुछ है, या तो आप पूरा ही सेव करा दो, क्योंकि आपको अगर सिर्फ आईडी सेव कराओगे तो बात तो हो जाएगी, डेटा बेस यूजेज फिर भी होगा, उस पेज पर जाओगे आईडी से फिर मंगाओगे डेटा की, ये वाली आईडी का डेटा लाओ उसका मिला, तो चलो डेटा यूज ही ना यही कहो बस गेट करके रख दो। और वैसे भी एक बात है, ई कॉमर्स फूड पांडा की एग्जाम्पल जो हाई जेंट्री होती है, मोबाइल बोला हाँ डेडी पिज़्ज़ा खा लें, हाँ मंगा लो भाई 1500 की पिज़्ज़ा ऑर्डर करके अच्छी है। अब हमारे जैसा बंदा हो फूड पांडा बोलेगा तो देखेगा हाँ भाई चार ब्रांड आ रहे हैं, इसका 999 का, उसका 1200 का, उसका 1500 का, अब तीनों की रिव्यू जाके देखेगा, लेकिन ऐसा भी होता है डिलीवरी देखेंगे 200 पे फिर बंद कर देंगे, यार भूख नहीं है मैं खा लूँगा, फिर आधे घंटा दोबारा भूख लगेगा, नहीं यार मंगा लेता हूँ, नहीं रहने दो यार अभी कहाँ 500 खर्च कर दूँगा, होता ही नहीं यार ये। अब बार बार हमारी एक खोल रहा है बंदा, मंगा कुछ नहीं था गरीब का बच्चा, और डेटा जाया कर रहा है डेटा बेस, तो इसका हल क्या है? अब फूड पॉइंट, अब एग्जाम्पल ले लो ब्रॉड पे, ऐड कब चेंज करता है, एक दफ़ा डाल दी फिर तो नहीं चेंज करता मेरा ख्याल, क्योंकि ब्रांड नेम की ऑफर इतनी ज़्यादा डिस्काउंट आता है ना, और तो कोई चेंजेस नहीं होती इनकी ऐड में, और हम बार बार खोल रहे हैं 10 उसका डेटा मंगा रहे हैं, इसके इसका भी कोई हल है आप लोगों के पास? हाँ सही है बिल्कुल, आपने एक दफ़ा डेटा लोड किया, जैसे बंदे ने एप्लीकेशन डाउनलोड की जिसमें हाथ रख के कि आप से मैं होटल रूम ऑनलाइन लेते अब देखो ना यार वो डिलीवरी चाहिए हुआ दिखाता है तो बेहतर है, मिल नहीं गया था अब मैं जाके ले आता हूँ तो क्या कहते हैं। हाँ अब फायर में सो रीड और राइट लेता है, चलो इनिशियल लेवल में मसला नहीं, अभी मेरा भाई कम्युनिकेशन में काम कर रहा था, अब बटन का कलर चेंज किया ठीक है भाई, कंट्रोल एस दबाया, कंट्रोल एस दबाने से क्या होता है चेंज रीलोड चेंज आती है, उसने क्या किया यूजर दोबारा चलाया डेटा आ गया। अब भाई साहब लगे हैं चेंजेस कर रहे हैं, एक बड़ा इधर हिलाता है कभी उधर हिलाता है कभी ऊपर करता है नीचे करता है, सेव करे जा रहे डेटा खत्म फाइव बेस डिलीवर खत्म, अब क्या करूँ दोबारा नहीं फाइव बेस बनाने बैठो, या तो पैसे दो फाइव बेस को, अब पैसे देने वाले तो है नहीं, नए नए जी मेरे अकाउंट बना के स्विच कर लेते हैं ये कंप्लीट डाल दो कंप्लीट, तो इस सैनरी में ये करना चाहिए कि जब पता है आपकी एप्लीकेशन एक ही दफ़ा डेटा मंगा लिया आप गूगल शीट से कर लो उसमें मसला नहीं जितना भी रीड राइट हो। दूसरा एक दफ़ा डेटा मंगाया लोकल स्टोरेज फेंक दिया, अभी उधर जब भी आता है ना लोकल स्टोरेज से ही उठा के ले आओ। अच्छा एक और सीन होता है पुल टू रिफ्रेश, आपने मोबाइल में देखा होगा पुल टू रिफ्रेश वाला, मैं अब ये करता हूँ कोशिश ये होती है कि ना मैं आज की डेट लूँ मेरा लास्ट डेटा अगर मैंने मंगाया ना एप्लीकेशन में, देखो अभी हम उस लेवल पर जाएंगे आगे वाले, लेकिन अभी हम लॉजिक सोचना भी शुरू करेंगे, मैं ये कहता हूँ कि डेटा अगर मेरा सुबह गेट हुआ है 9 बजे तो अगले 24 घंटे तक मैं नहीं मंगाऊंगा दूसरा डेटा,
इससे ये होता है कि यार पाकिस्तानी ग्रैंड ये भी बोलते हैं कि भाई पाकिस्तानी की ओवरऑल एक बात है, एप्पल डेवलपर अकाउंट कितने का ये तो मालूम, एप्पल डेवलपर अकाउंट ईयरली सब्सक्रिप्शन कितनी है, $100 तो ये जान में दे जाती है, कोई $100 की डिप्लॉयमेंट, और डेवलपर कितना ले रहा होता है, हजारों में ले रहा होता है। लेकिन एप्पल डेवलपर अकाउंट के लिए जा रहे उसके पैसे, इसी तरह एप्पल प्ले स्टोर का अकाउंट $25 के लैक पे है, वो इसी लगता हो एक ही है, तो है ना, इन चीज़ों के लिए पैसे नहीं दिए जा रहे, सर्विस के लिए नहीं दिए जा रहे। अब बंदा वेबसाइट बनवा लेगा तुम लोगों से क्लाइंट, तो भाई ई कॉमर्स अच्छा बना दो, अब तुम उसको बोलोगे ना हर महीने तुम्हें 1500 या 2500 रुपये या 6000 रुपये दे रहे हैं डेटा बेस के, बोलेगा ये क्या बात है मेरे लिए क्यों पैसे दे दिए, मैं 100 पर रेंट भर दूँ, तो फिर हमें ऑटोमाइज करनी पड़ती है पाकिस्तानी क्लाइंट के लिए, तो खास तौर पर कि उसको हर महीने रेंट ना भरना पड़े। ये जो आइडिया दे सकते हैं कि लोकल स्टोर में एक ही दफ़ा में डेटा मंगा लो, एक ही दफ़ा में फिर उसको, या तो अगर सेंसिटिव डेटा है जैसे कि उसकी इन्वेंट्री है 12 घंटे में चेंज कर लो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है 1 घंटे में चेंज करा लो, या फिर मैंने तो यही क्या 24 घंटे में करता हूँ डेटा कैट, अगर यूज़र खुद से फुल रिफ्रेश करते तो डेटा पड़ा से नया मंगा देता हूँ, ताकि भाई ये लोग तुम्हारे डेटा मंगा लिया उसको फ्रेश डेटा सेव करा दिया उसके अंदर। फेसबुक पर भी यही करते हैं, थोड़ा सा डेटा कैशे के अंदर रखते हैं, इंस्टाग्राम नहीं करता, व्हाट्सअप देखो तुम्हारे पास डेटा हो या ना हो उसके अंदर जाके मैसेज भेजो, वो घड़ी बनी हुई आ जाती है और जब डेटा चलता है तुम्हारा मैसेज चले जाता है। सेम चीज़ इंस्टाग्राम पे जाओ तो तुम्हारा मैसेज नहीं खुलेगा इनबॉक्स, है ना, वाईफाई नहीं है तो, क्योंकि वो परसिस्टेंट नहीं रखा वो उन्होंने, व्हाट्सएप अंदर ये है परसिस्टेंस कि लोकल स्टोरेज यूज़ करता है डेटा आता है तो सिंक करा देता है, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। इंस्टाग्राम का भी फीचर है, व्हाट्सएप का भी फीचर है, बग नहीं है, बस लोगों से गैर आइटम कर लो आ जाए, लेकिन इसमें निकलता नहीं बिल्कुल, तो नहीं होगा कि अपने वो नियम लोगों को पता नहीं होता ना, फिर उसका जैसे हम मोबाइल में वेबसाइट यूज़ करूँगा तो मेरा मोबाइल की लोकल स्टोरेज, मेरा मोबाइल है अपने में करा तो उसका पीसी है लोकल स्टोरेज, तो हर बंदा ऐड तो सबको नजर आ रही है, अब हर बंदे को अपनी ऐड टू कार्ड उसके पास ही रखनी है मोबाइल में, वो ये तो नहीं चाहता मेरे मोबाइल में ऐड टू कार्ड किया तो उसके कंप्यूटर में भी आ जाए ऐड टू कार्ड वाला चीज, तो फिर लोकल स्टोरेज यूज़ करा लो आप, फिर आप फायरवेस यूज़ करनी पड़ेगी, हाँ फिर आपको फायरवेस यूज़ करनी पड़ेगी, उससे ये होगा कि आप की जो जो आइटम एक्टिवेट हो रही है फिर उस केस में सिर्फ आईडी रखवा लो, क्योंकि आईडी सेव करा दो कि भाई ऐड टू कार्ड की एक कलेक्शन बन गई फायरवेस के अंदर, उसके अंदर ऐसा भी कर सकते यूज़र की कलेक्शन, ऐड टू कार्ड की कलेक्शन, उसके अंदर यूज़र का ईमेल और एक एरे जिसके अंदर सेव्ड आइटम्स की लिस्ट है, उसके अंदर सबकी आईडी आएगी, और जब उस ऐड टू कार्ट के पेज पर जाओ आईडी गेट वो डेटा गेट करो कि ऐड टू कार्ट के कलेक्शन के अंदर जो ईमेल सेम ईमेल हो इससे जो लॉग इन यूज़र है उसका डेटा दिया, डेटा आ जाएगा फिर प्रॉमिस डॉट ऑल लगेगा, ये भी एक वो है इससे प्रॉमिस है ना, प्रॉमिस डॉट ऑल भी है, थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल तो नहीं है थोड़ा ट्रिकी है, उसमें ये होता है आपके लिए एक साथ सारा डेटा मंगाना तो आसान है ना, आपने बोला भाई यूज़र की कलेक्शन उठा के ले आओ, कलेक्शन उठा के आ जाएगा कॉल, कोई मसला ही नहीं, या फिर आप उसको बोलो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट उठा के जाओ उसको भी कोई मसला नहीं, अब आप बोलो भाई जितनी आईडी है उसके स्पेसिफिक ला कर डेटा, वो कैसे लाएगा, पहले का लाएगा दूसरे का लाएगा तीसरे का लाएगा चौथे का लाएगा, तुम्हें पता कैसे चल रहा होगा कि डेटा आ रहा है, तो प्रॉमिस कॉल का फंक्शन होता है वो सबको देखता है भाई सबका डेटा आ गया, आगे अपने मालिक खबर दो कि भाई सब आ गए लाइन में खड़े हैं, तो प्रॉमिस वाले हैं लेकिन वो बात पड़ेगी तब ही यूज़ होता है, और वो आज आप यूज़ करना एग्जाम्पल देख सकते हो, एग्जाम्पल देख के उसको हल्का सा मॉडिफाई कर सकते हो, अब तो आगे अच्छा है GPT भी है जो उससे असाइनमेंट कर रहे होते हैं बड़े बड़े, सही है ना, तो
लोकल स्टूडेंट आप डेटा सेव करा सकते हो, ये एक अच्छी चीज़ है। अब आपने ये बोला कि हमने बटन दबाया, आइटम आई, आइटम को हमने स्ट्रिंगिफाई किया, ये और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर पूरी आइटम पास कर दी, ऐड हो गई। आप गए ऐड टू कार्ट के पेज में, वहाँ पे आपने क्या किया, लोकल स्टूडेंट गेट आइटम, कार्ट आइटम्स, कार्ट लिस्ट और जो भी लिस्ट है उसको पार्स किया। पार्स करने से क्या हो, पूरी लिस्ट मिल गई आपको, जो आपने एक आइटम सेव करी थी वही आइटम वापस मिल गई। आपने जो स्टेट के अंदर सेव करा है उसमें मैप चला दिया, कार्ट आइटम शो हो गए। इसमें तो मसला नहीं है, है ना सर? इसमें तो मसला नहीं, मसला कब आया? सुनिए अच्छा, चलो मैं दूसरे आइटम कार्ड करने आया हूँ, फिर क्या होगा उसका सेंड करो। फ्लो तो बना हुआ है, जैसे डेटा क्लिक हो रहा है आइटम फंक्शन में जा रही है, फंक्शन सेव कर रहा है सेट आइटम के अंदर और वो नजर आ रही है। अब फॉर एग्जाम्पल तुमने पहली सेव करी थी कार वाली, तुमने दूसरी क्लिक करा क्या, फ्रिज, फ्रिज का डेटा गया लोकल स्टोरेज में सेट हो गया। अब तो कार वाला काम क्या लोकल स्टोरेज से, देखो यूजर आईडी के अंदर अगर मैं बोल रहा हूँ अभी है मैं, और फिर सेम बात समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब मैं सेम इसको बोल रहा हूँ ए बी सी, अभी क्या दिखाएगा मुझे, ए बी सी दिखाएगा, एम एस दिखाएगा, अब मेरे एम एस पे क्या हुआ है? बिल्कुल वेट कर दो, ओवरराइड कर दे। अब इसका हल क्या है, मेन बात तो यही है, असल लॉजिक ही है, अगर ये हमने समझ ली तो फिर हमारा एक्टिव कार्ड का मसला नहीं है, एक्टिव रिव्यू का मसला नहीं है और भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमें फुल समझा देगा क्या मैंने इस केस में। तो आप दस आइटम होगी, दस के नहीं कैसे चेंज करोगे? वैसे एक बात है, हो तो जाएगा, ये कह रहा है अगर हम हर चीज़ के नाम चेंज करके रखते हैं, मतलब कार पे क्लिक किया, कार का टाइटल ही लोकल स्टोरेज का टाइटल रख दिया और उसके अंदर उसका डेटा रख दिया, अगर फ्रिज पे क्लिक किया तो फ्रिज की रख दी और फ्रिज का डेटा रख दिया, और जब वहाँ गई कार की स्क्रीन पर फिर क्या करें, हमें की तो पता ही नहीं है। उसके लिए एक मैथड है हमारे लोकल स्टोरेज और गेट ऑल कीस, गेट ऑल कीस से सारी कीस का पता चलेगा कि कार फ्रिज जो भी आपने कार्ड किया हुआ वो सब का डेटा मंगा लो। लेकिन ये गलत तरीका है, ये जुगाड़ है। अब मैंने भी इन्हें बहुत ज़्यादा है कि सबकी चीज़ आप गेट ऑन कर रहे हो, फिर फ्री भी आएंगे, ये भी वो भी है, लेकिन काम तो हो जाएगा, वो काम तो इतनी ज़्यादा भी कर सकते हैं, बंदा पेंट ब्रश से भी कर सकता है, हाथों से भी सब सब हो तो जाएगा। हाँ बिल्कुल, कोड भी ज़्यादा रखना पड़ेगा। इसके दूसरी लॉजिक क्या समझ आया, एक तो बता दी कि भाई इन्होंने ये हो रहा है और वो भी रहा है, दूसरी तरीके का क्या लग रहा है? सही, ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट होते हैं, कैसे बनाओगे? करना तो यही है, ये होगा कैसे? मतलब देखो तुमने फंक्शन पहले कार्ड का कर लिया सेव, अब तुमने क्लिक किया फ्रिज पे, एरे बनेंगे लेकिन एरे खाली है, क्यों खाली है? क्योंकि फंक्शन के अंदर है, तो तुमने फंक्शन अभी दबाया है तो एरे तो खाली बनी हुई है, तो एरे बाहर होती है। मैंने पेज रिलोड कर लिया, अब मैंने पेज रिलोड कर लिया, अब मैं कर रहा हूँ फ्रिज को कार्ड, तो मेरी पहली एरे तो अभी भी खाली है, मैंने रिलोड किया है पेज। अगर मैं खुद से पेज रिलोड करूँगा यूज स्टेट भी चली जाएगी, रीसेट हो जाती है यूज स्टेट। दे सकते हैं तब भी एरे तो रीसेट होगी, इसी तरह यूज कर रहे हैं लोकल स्टोरेज, रिलोड अगर पेज हुआ तो सब रीसेट,
और रिएक्ट के अंदर पेज रीलोड नहीं होता तभी स्टेट मेंटेन रहती है। हाँ कैसे करोगे ये क्वेश्चन करो, कैसे करोगे यूज बैक कॉल कर लिया ठीक है पेज है अब चेक करेंगे ना कि लोकल पेज में डेटा है, लोकल हाँ लोकल पेज में डेटा है पहले पुश कर दिया अब खाली नहीं है है जो कॉल करेंगे हाँ ऑब्जेक्ट पुश देखो मेन काम ये हमारा कि सुनिए समझने वाले पहले लोकल स्टेट सिर्फ ओवर एंट्री था हमने ये सोचा कि यूजिफाई के अंदर एक फंक्शन कॉल करें जो कि क्या करेगा गेट एग्जिस्टिंग कार्ट लिस्ट वो क्या करेगा कि पहले कार्ट लिस्ट हमारी देखिए खाली है या भरी हुई है अगर भरी हुई हुई अच्छा ये काम आप डायरेक्ट फंक्शन कॉल कर सकते हो कि फंक्शन कॉल किया चेक करो पुराना डेटा क्या है अगर खाली है तो छोड़ दो कुछ है मौजूद तो उसके उसको ये कह रहे हैं असाइन कर दो फिर एक एक अंदर असाइन कर दो और जब आपने फंक्शन क्लिक किया तो उसका नया डेटा एल के अंदर पुश कर दिया और उसको दोबारा से लोअर स्टोरेज सेट आइटम कार्ड जैसे नॉट स्ट्रिंगिफाई के अंदर जो न्यू एरे बनी है वो डाल दी अच्छा उसके इशू जो डेटा मौजूद होगा था क्योंकि आपने एरे के अंदर पुश करवाया था ओवर राइट ही कराया कार्ड आइटम बन गई तो यार कितना वो समझ आया है हैं करके दिखा देते हैं हाँ लॉजिक तो बन गई लॉजिक सोचना आ गई ना ऐसे ही सोचते हैं या तो नमाज के दौरान सब याद आ रहा होता है अल्लाह माफ करे लेकिन ये बता रहा हूँ एक ये जगह होती है एक बाइक पे बंदा सोच रहा होता है सारी चीज़ें ढूंढ रही की हाँ मस्जिद में वजू खाना बोलते वजू खाना अल्लाह नसीब करे सोचना हम जाओ पे अच्छे यार पे सीनियर की निशानी होती है सीनियर की निशानी भाई अगर एक बंदे को बंदा बोल रहा है अल्लाह करे तुम्हारा आईफोन चोरी हो जाए एक गरीब बंदे को तो उसके लिए बदुआ या दुआ है तो गरीब बंदा बोले यार मेरा है ही नहीं कहाँ से होगा मैं उसकी दुआ कबूल कर रही जाएगा आईफोन तो आएगा ये तो खुशी है भाई चलो आएगा तो जाएगा ना भाई है ही नहीं तो वाले को बंदा बोले तेरी बीवी छोड़ के चले जाए तेरे तो खुश हो जाएगा चलो आएगी तो सही फिर जाएगी देख लेंगे उसे देखो ना जुम्मे के दिन अब पूरे सारे नमाज पढ़ लो जुम्मे के दिन तो हम गोल्डन भी होते हैं जुम्मे के दिन चलो दुआ भी कबूल होती है ना 40 लोगों में कहते हैं कि 40 लोगों में अगर मौजूद हो तो एक अल्लाह का वली होता है जिसकी दुआ कबूल होती है अब आप गोल्डन में दुआ कर रहे हैं कि भाई अल्लाह मेरी दुनिया आकर अच्छी करे तो उसकी दुनिया तब भी अच्छी होगी जब बंदे बनेंगे उससे ज़्यादा कब्रों का ऑर्डर आएगा सब हम ही बन लें डॉक्टर भी बैठे दुआ कर रहा है अब बंदे बीमार होंगे तो उसका रिस्क आएगा चोर बैठ के दुआ कर रहे हैं उसकी तो ऐसे ही होगी इधर चोरियाँ बढ़ेंगी चोर होगी क्यों हाँ भाई गुनहगारों पर रहना जल्दी बरसती है चलो आते हैं आपसे इधर भाई लॉगिन का पेज हमने बना लिया था अच्छा देखो ये अभी हमने लॉगिन सुनी ना एड टू कार्ट वाली अब इससे बताओ लॉगिन कैसे मैनेज होगा लॉगिन ये हमने पढ़ ली अब इसी से मुझे बताओ यही सेम चीज़ यूज करते हुए मैं लॉगिन वेरिफिकेशन कैसे कर सकता हूँ हाँ बिल्कुल हाँ और ये अगर लॉगिन
पहला पेज ही लॉगिन ओपन होगा, उससे हम चेक करेंगे कि भाई लोकल स्टोरेज कुछ है यूजर के हिसाब से, नहीं है तो इसको यहीं रखो पहला जब तक कि इसका डेटा नहीं आता। हाँ वरना इसमें डायरेक्ट कर दो यहाँ पे, ये कौन है, ये इस सल्तनत का मालिक है। तो हमें हर फाइल में चेक नहीं करने की जरूरत, हर शहर में जाकर चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसके हेडक्वार्टर में चेक कर लो भाई कहाँ डेटा है, तो डेटा होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो उसको वापस भेज दो लॉगिन पे। तो बिल्कुल सिंपल फील है, प्रोग्रामिंग कोई मुश्किल चीज़ नहीं, बस सोचना मुश्किल है कि भाई ये कैसे होगा। मैंने नहीं बताया था आपको कि वो मीटिंग हो रही थी सैलानी, उसमें एआई की बात चली, एआई की बात चलती ना, एआई से हटती भी। अगर आप देखो, अगर आप कभी अपने बुजुर्गों में जाके बैठो जो घर के बड़े होते हैं, अब उनको बोलो यार मैं अभी प्रोग्रामिंग पढ़ रहा हूँ बेटा क्या करोगे, अपना सॉफ्टवेयर हाउस करना था, उसमें बहुत पैसा है, हर बंदा मशा देने शुरू हो जाता है। ए आई है तो भाई तुम इससे कोई ऐसी चीज़ भी नहीं बनाते जिससे है ना इसका भला हो जाए, दुनिया का भला हो जाए, बहुत चलेगा आइडिया, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं उसको बेचेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, शेख चिल्ली वाली बातें हर बंदा कर रहा होता है। बिल्कुल आज हमने ए आई से एक वेबसाइट बनाई वापस के लाभ, उसने हल्की सी बेसिक वेबसाइट बना के दे दी थी, वो बच्चा हैरान लग रहा है यार सर जी हम पढ़ क्यों रहे हैं भाई ये कोर्स और ए आई से बढ़ गया वेबसाइट। तो मैंने कहा यार चलो इसका तो मेरे पास जवाब में दे दूँगा, लेकिन तुम्हारे पास क्या जवाब है, तुम यूनिवर्सिटी वगैरह पढ़ रहे हो, उससे तुम्हें क्या मिला, उसका कोई जवाब नहीं है, पूरी बना के दे जाएगा, पूरी बना के दे देगा। फिर दस डॉलर में क्या नाम है यार उसका, फ्लिपकार्ट हो गया और भी कौन सी वेबसाइट है, नहीं पता है जी से नाम आता है क्या नाम है, तो उस पर टेम्पलेट बनी बनाई पूरी पूरी वेबसाइट मिल जाती है, नहीं पूरी पूरी वेबसाइट मिल जाती है, $10 $20 में पूरी एप्लीकेशन मिल जाती है, ई कॉमर्स की $25 में $30 में मिल जाती है। जैसे जो मैंने आपको दिखाया था रिएक्ट पेपर डैशबोर्ड, एक तो ये कि इंडिया और पाकिस्तान ने वैसे ही मार्केट खराब की हुई है ना, अब एक बात है अपने पास अगर टैक्स लगता है ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट का टैक्स लगता है तो वो लग जाता है कुछ 8-10 हज़ार रुपये, ठीक है अगर देखा जाए तो 8-10 हज़ार रुपये की कोई अहमियत नहीं है, क्यों $10 होते हैं 3,000 रुपये, $20 होते हैं 6,000 रुपये, नहीं 20-22 हज़ार की कोई अहमियत नहीं है देखा जाए तो टैक्स पे। बाहर वाले तो 40% देते हैं, 40% इतना होता है कोई, ये अगर बंदी की सैलरी वहाँ 5,000 है तो 40% मतलब $2,000 दे रहा है, $2,000 मतलब 6 लाख रुपये, 6 लाख रुपये और 8,000 रुपये को पड़ गए, इतना पड़ गया 2.2% भी नहीं है हमारा टैक्स। लेकिन हम क्या सोचते हैं यार 8,000 रुपये मतलब यार मैं इसमें एक चौकीदार भी रख सकता हूँ, गाड़ी साफ करने वाला भी रख सकता हूँ, इसमें 10 लीटर पेट्रोल ला के काम का घूम लूँगा ये वो, सही ना तो हमारे दिमाग में भी आते हैं इससे बता रहा हूँ, तो है ना इतना डिफरेंस है, इतना डिफरेंस है। मैंने बड़े बड़े टीचर को देखा है सैलानी को, सैलानी कैसे बोलूँ आई टी में है ही सारे बड़े टीचर सैलानी को, और तो कोई है नहीं मार्केट में इतना खास, एफटेक वाले एफटेक में पढ़ा रहे हैं, और जो जो हबीब वगैरह के जो निकलते हैं मोस्टली वो जॉब पे होते हैं, तो जो इंटरव्यू जो फ्रीलांसर और स्टार्टअप वाले मोस्टली यहीं के सैलानी हो गया या इस तरह के आपस के या उस टाइम के, तो टैक्स बचा रहे होते पूरा टैक्स बचा रहे होते 15,000, 25,000, 50,000, 60,000, 70,000, उसमें भी 200,000 कम हो जाए तो भाई 1,000 कम देते हो फिर, ये माइंड सेट है भले हम जितना भी कमा रहे हो। तो हम कहाँ पे थे, कुछ दिखाने वाला था ना कुछ मैंने सर्च, हाँ पेपर डैशबोर्ड, रिएक्ट पेपर डैशबोर्ड
और जैसे ये आ गया इधर, और भी टेम्पलेट्स होती हैं यार, वेबसाइट डैशबोर्ड टेम्पलेट थीम फॉरेस्ट। हाँ थीम फॉरेस्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अब सुन लो थीम फॉरेस्ट क्रिएटिव थीम है, ये है थीम वैगन, इन्वेटो एलिमेंट एंड ये कलरलिंग और थीम फॉरेस्ट, ये दो बहुत मशहूर है कलरलिंग और थीम फॉरेस्ट। अब यहाँ पर चले जाओ आप लोग, इसके अंदर आते हो तो क्या है एडमिट डैशबोर्ड, ये क्या है बिल्कुल सोर्स कोड ही देते हैं, पूरा सोर्स कोड देते हैं कंप्लीट हैं। हाँ हाँ बेहतरीन, तुम्हें बनाने में साल लग जाएगा, ये बना के देते हैं डेटा बेस बना, मतलब देखो डेटा फाइव बेस अगर आप यूज कर रहे हो, मिसाल कोई जकी ने वेबसाइट बनाई ई कॉमर्स की फाइव बेस यूज कर रहा है अगर, और मुझे कोड सोर्स कोड देता है तो मुझे अपनी डेटा बेस इसकी वेबसाइट में डालने में कितनी देर लगेगी, कॉन्फिग की फाइल अपनी लगाऊंगा बन गई, तो ये सब कुछ बना बना देते हैं आप फायरबेस की यहाँ कॉन्फिग बिल्कुल। ये बोलते हैं आप अपनी बनी बनाई वेबसाइट यहाँ बेच भी सकते हो, आपने कोई वेबसाइट बनाई यहाँ लगा दी, अब कभी सेल आ गई तो आ गई ठीक है, अगर आ जाती है कोई वेबसाइट चल जाती है तो उस पर हज़ारों सेल आती है, एक बंदे ने $10 की वेबसाइट डाली उस पर 1000 सेल आया मतलब $10,000, तो वो अच्छा होगा कुछ करना नहीं पड़ा उसने बस ऐसे बनाई थी डाल दी। हाँ तो इससे बहुत सारे ऐसे बिक्री होते हैं, देखो ना यहाँ पे है कितनी सेल है 196 सेल है और कितनी कर रहे हैं $12 की, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 200 इक्वल टू $2,000 है इसमें रेगुलर था, लाइव प्रीमियम भी होगा एडवांस भी होगा। अब देखो कैसी वेबसाइट है, $12 कितने होते हैं 3500 रुपये 3500 रुपये वैसे मैंने एक और चीज़ देखी सैलानी की, और भी लोगों को देखा मैंने कि 5000 का खाना खा सकते हैं ठीक है, 5000 रुपये कुछ और नहीं कर सकते, मतलब भूख लगी बिरयानी खाने बैठ के 500 रुपये की खा ली गई, चिकन बिरयानी एक खाली 300 की 250 की लाई प्लेट खा, डोमेन लेने की बारी 500 की, अब पूछेंगे भाई कहीं और सस्ता मिल रहा है 100 रुपये 900 रुपये का मिल रहा है, नहीं खरीदते ये इन्वेस्ट नहीं करते हम लोग उनसे। अब देखो 3500 रुपये की पूरी वेबसाइट मिल रही है, अगर आपके पास कोई क्लाइंट है और कम बजट हो तो यहाँ से भी खरीद सकते हैं। उसका मसला ही नहीं, उसको जैसी चाहिए आप वैसी दोगे ना, देखो ये सोर्स कोड आपको देगा आप उसके लोगो से लगा दो, कलर चेंज कर दो, नाम चेंज कर दो, हल्का फुल्का चेंजेस करा दो और दे दो, सही है ना। देखो मैंने ये बात यही बताई थी, जिसको नहीं आ रही प्रोग्रामिंग का मसला नहीं है, हमारे पास नो कोड टेक्नोलॉजी भी है जो ड्रैग एंड ड्रॉप से हो जाता है, बैकएंड टेक्नोलॉजी है, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है, 1000 तरीके हैं, कुछ लोग टेम्पलेट से काम चला रहे होते हैं, सही तो मसले की बात नहीं आती प्रोग्रामिंग, तो साल बाद भी नहीं आती, तो टेम्पलेट से काम चलाना और टेम्पलेट का एडिट करने बैठोगे ना तो खुद ही आ जाएगी प्रोग्रामिंग। मुझे एक जी डी मिला था एलिपट्टी, उसने एक प्रोजेक्ट किया था, अब जाहिर होता जो सीनियर के साथ काम करते हो ना तो फिर आप पैसों का नाम नहीं ले सकते, आप बोलोगे हाँ भाई क्या काम करना है बस ये बताते हो पैसे नहीं मांगते। खैर उन्होंने एक वेबसाइट थी बिल्डिंग, मैंने उसको है ना यू टॉरेंट का नाम लोगों ने सुना होगा, यू टॉरेंट, उससे मैंने पूरी वेबसाइट डाउनलोड कर दी, सोर्स कोड पूरा सोर्स कोड डाउनलोड करके उस वेबसाइट पर लिंक डाली पूरा डाउनलोड, वो कोड इतना जीव गरीब था लेकिन लिखा तो था, उसी के बेस पे चल रही थी पूरी वेबसाइट है ना, तो कुछ ना कुछ तो उसमें था, तो वो चेंजेस कर करा के कलर वलर भी मैंने देख लिया कि हाँ भाई सर्च किया ये वाला कलर है कलर मिल गया ये वो, लेकिन चेंजेस उसने बोली कि भाई ये यहाँ उठा के यहाँ डालना है ये उठा के यहाँ डालना है, उसमें मसले आए थे, वो बहुत खतरनाक वेबसाइट थी, बहुत खतरनाक बहुत गंदे एनिमेशन हो गए गंदे हैवी बहुत हैवी थे, तो बड़ा मसला हुआ। लेकिन अगर कोई नॉर्मल सी वेबसाइट होती तो बन जाती, तो उस तरह के ये काम करने से ना थोड़ा मुझे एनहेंस हुआ
बग फिक्सिंग का, भाई सीधे कैसे ढूंढते हैं, क्योंकि बंदे को एक दफा पता चला ना भाई ऐसे ढूंढते हैं तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, वो ढूंढ लेगा कहीं भी बग। अभी तो लाइव क्लिक हुई है इसलिए डाउन छोड़ के तो आपको रिपोर्ट दे देगा, आप डायरेक्ट खुद ही डिप्लॉय करो, और ऐसा लाइसेंस की एक फाइल होती है ताकि आप उसको दोबारा वो ना कर सको, हम उसको भी डिलीट कर देते हैं। अच्छा एक तो भी ये वेबसाइट, अब और अगर मैं देखूँ कौन सी अब इसकी क्या एग्जाम्पल दो, जब बनी बनाई चीज़ें मिल रही है तो यहाँ पे अगर मिल रही है बनी बनाई तो लोग यहाँ से क्यों खरीद रहे हैं? ये थीम मैंने बता रहे हैं फ्री में मिलती है, तो यहाँ देखो फूड फ्री पूरी से टैबलेट मिल रही है। अच्छा यहाँ पे भी है महंगी वाली भी, लेकिन इसमें फ्री का ऑप्शन भी है। यार देखा जाए तो है तो अच्छी ना यार, जाकर मास्टर की दुकान में बैठ जाओ भाई, ले 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 ले। ये ना डाउनलोड ओपन सोर्स यूज इन कमर्शियल प्रोजेक्ट, वरना लोग मना करते ना भाई कमर्शियल यूज नहीं हो, बोले कमर्शियल भी यूज करो, लाइफ टाइम फ्री अपडेट्स। ओहो बहुत अच्छी है। हाँ 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 बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही, प्रोग्रामिंग तो सही है ना यार। अब मैं बोलूँ कि दवाई तो मेडिकल में मिलती है तो बंदा डॉक्टर पास क्यों जाता है, खुद ही लेके खा ले, ऐसा है नहीं ना यार, लोग जाते हैं डॉक्टर पास। हाँ बता रहा हूँ यही, तुम लोग यही दिखा रहा हूँ, तुम लोग भी देख लो फिर तुम लोग भी कुछ हो। देखो यार प्रोग्रामिंग है ही इसका नाम कि आप कॉपी पेस्ट करो कहीं से, जब ये नहीं थी तो हम कहाँ से करते थे, गूगल से करते थे, स्टैक ओवरफ्लो से करते थे, और कहाँ से करते थे, बूट स्ट्रैप से करते थे। अब ये नहीं है तो क्या करते हो, बूट स्ट्रैप की जगह आपको बस लिंक्स वही कोड आपको चैट जीपीटी के प्लेटफॉर्म पे ला के देती है, यही बस यही है ना। बूट नेट आफ्टर डॉम की वेबसाइट से डॉक्यूमेंटेशन उठाई, आपको चैट जीपीटी में ला के दी, आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा काम हो गया है, बस ये पढ़ के आपको सर्चिंग नहीं आती थी पहले, अब आपके लिए सर्चिंग आसान हो गई, कोई खास ऐसी हो रही है। अच्छा अभी देखो बनी बनाई वेबसाइट मिल रही है तो आप लोग यूज़ करो, आप लोग खुद ही छूट है और इसका भी आपको क्लाइंट मिलेगा, मसला तो इस बात का है ही नहीं ना। और जितने भी रेस्टोरेंट हैं टमाटर तो वही सब्जी वाले से लेते हैं, वही मिट्टी में उगता है, भले जितने भी रेस्टोरेंट में जाओ। हाँ हाँ फेसबुक पे, फेसबुक पे नाइजीरिया का नहीं भी देते हैं यार, दे भी देते हैं।
अपने बना भी सकते हो, यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो, यहाँ बेच भी सकते हो, सब कर सकते हो। अब जैसे तुमने बनाई थी ना स्टूडेंट की वेबसाइट, तुमने पोस्ट भी अच्छी बनाई थी, उठा के यहाँ डाल दो फॉर सेल, सेल नाम भी होते नाम तो होगा ना क्योंकि कि यहाँ मेरा स्टोर है, वेबसाइट स्टोर है, बेच रहे हो। अब अच्छा इसकी मिसाल वैसे इस तरह भी दे सकते हो कि जैसे नहीं लकी वन में जाओ नाइकी के स्टोर पे, मैंने देखा पीले कलर की चप्पल पड़े, वो चप्पल ऐसे है कि कोई बंदा पहने ना, अब लोग देखें नाइकी येलो चप्पल की क्या बोलते हैं देखते स्लीपर, नहीं ये नहीं सैंडल को क्या बोलते हैं, सैंडल ही बोलते हैं, खैर अगर अगर देखा जाए अलादीन के पास अलादीन में था ये जैसा बिल्ली सेटल है इसके सामने जो बार बार लगती है, हैं इसमें कौन सा प्रोडक्ट होते हैं अलादीन के अलावा, देखा जाता है इस बार बाजार में यही प्रोडक्ट होते हैं बाहर से यूज हुए हैं ओरिजिनल नाइकी के स्किल्स के, लेकिन लोग लेते हैं कुछ लोग लेते हैं कैटेगरी वो वहाँ भी अलग होती है, इसी तरह इन जगहों से भी ये इतवार बाजार समझ लो, ये असली वेबसाइट का इतवार बाजार है, जो बंदा अमीर होगा वो इन चीज़ों पर खरीद जाएगा। और दूसरी बात वेबसाइट बनाना मुश्किल है, वेबसाइट मेंटेन रखना मुश्किल, वेबसाइट हफ्तों में महीनों में बनती है लेकिन मेंटेन करने के लिए सालों चाहिए होते हैं, ठीक है ना, तो बंदा आपको वेबसाइट बनाने के पैसे नहीं देता, वेबसाइट मेंटेन करने के पैसे देता है, आपका टाइम देगा तो आपका टाइम जो है एसेट है, आप सर्विस दे रहे हो, दुनिया में दो ही प्रोडक्ट सेल होती है, एक प्रोडक्ट एक सर्विस, आप सर्विस दे रहे हो, आप उसको वेबसाइट नहीं बेच रहे। जैसे आप इसी एग्जाम्पल ले लो मदरसे में, अगर आप जाओ अगर वो तावीज़ लिख के देते हैं आपको और उसकी उजरत देते हैं तो आपको तावीज़ के पैसे नहीं लेते हैं, एक दस एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए, वो अपने टाइम के पैसे ले रहे हैं भाई कि हमने चलो आप थोड़ा टाइम दें, अब जो भी उनका तरीका है माश है तो सेम आपसे कोई कोड करने के या कोड कहीं से कॉपी करने के पैसे नहीं ले रहा, आप उसको उसकी ज़रूरत पूरी करके दे रहे हो, उसकी चीज़ बना के दे रहे हो, उसकी चीज़ चल रही है उसके नाम से वो उसके पैसे दे रहे हैं, ठीक है ना। बाकी भाई वेबसाइट ध्यान में रखो, वेबसाइट ध्यान में रखो, टेम्पलेट टेम्पलेट क्या मसला है, मैं तो अभी तो जैसे अगर अपना चेहरा बड़ा सा सामने लिया हो ताकि लगे कि भाई इसी ने बनाई है, हाँ बिल्कुल सही हलाल तरीके से किसी भी तरह का दिन में सो रात को जागो खाना खाओ ना खाओ मसला थोड़ी जब तक हलाल कमा लो, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, फिर भी इनको मेंटेन करने के लिए पूरी टीम चाहिए होती है। अच्छा इसको इसको पता है एक बात है, आप स्क्रैच से वेबसाइट बनाओगे ना तो आसान है, ये इतनी घिसपिट हुई हुई होती है, इतनी हुई हुई होती है कि अगर कोई तो बंदा आ गया ना इसके अंदर तो उसने एक दो लाइन छेड़ दी पूरा कोड की जो है ना सेटिंग खराब हो जाती है। सही है, एक ऐप पर मैं काम कर रहा था वो समझ ही नहीं आ रही थी, अजीब अजीब कोड हुआ है, अजीब अजीब कोड हुआ है, हाँ भाई वो ठीक किसी टैक्सी ऐप, बहुत लोग खरीदते हैं टैक्सी ऐप, मैंने क्यों खरीदते क्या मौसम ऊबर ट्रेन की तरह टैक्सी ऐप खरीदते, अब उसमें बंदा क्या क्या चीज़ें चेंज करे समझ नहीं आ, वही बात है आटे में से आप सूजी अलग करके दिलाओ आते से या नमक अलग करके दिलाओ, इतना ही मुश्किल होता है में, हाँ चलो पता लग गया हाँ भाई इस साइड नमक है तो चलो इस बंदा थोड़ा, इतना ही मुश्किल होता है ये। अब अगर हम मोड पे जाते हैं हमारे पास देखो एंड डेव ये सारी एड्स आ गई,
अच्छा मुझे रेड कलर नहीं मिला, मैंने सर्च कर लिया, रेड रेड मिल गया। और ये आ गया, कसाई को देख के कसाई बनना आसान है, डेवलपर को देख के डेवलपर बनना उतना आसान नहीं है। कौन सी हमारी वेबसाइट थी, ये कार्ड, कार्ड के अंदर हमने बटन लगा दिया ऐड टू कार्ड। एक और चीज़, और ऐड टू कार्ड हो तो हमें दिखा रहे रिमूव फ्रॉम कार्ड, ये क्या होगा, वो आसान है क्योंकि वहाँ पता है सारे ही एक ही खानदान के सब ऐड टू कार्ड है, लेकिन इस लिस्ट में से आइडेंटिफाई करना कौन सा ऐड टू कार्ड है कौन सा रिमूव फ्रॉम कार्ड है, ये है ना सही, कैसे करोगे, ये है तो आसान, आपने चेक कर लेना। अच्छा अब आओ पार्टिसिपेट करो जरा डिस्कशन में, बटन बन गया, यहाँ पे क्या करना था, ऑन क्लिक, याद ऑन क्लिक, ऑन क्लिक कर दिया, वही 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 अब ना अंदाजा लगाओ एटम बम कितनी बड़ी जगह है, इस्लामी कंट्री में पाकिस्तान पहले मतलब एक ही इस्लामी कंट्री में था ना एटम बम, क्या लगी होगी उस दिन से, फटते तो सारे ही बम है, लेकिन कोई नहीं बना सकता। एक दफ़ा टीचर ने मुझे बोला साइंस का प्रोजेक्ट बनाना है, अब मैं जा रहा हूँ हसन इसमें रास्ते में जा रहा हूँ, मैंने कि यार अगर मैं एक ऐसा करूँ, ये जो पटाखे नहीं होते पटाखे लाल वाले, उनका बारूद भी बोतल में जमा करूँ 6-8 डब्बों का और बोतल भर दूँ टीचर की बारूद से, उसमें आग जला दूँ। अच्छा मैंने सोचा धमाल का ये एक्सपेरिमेंट करूँगा, मैंने पक्का सोचा मैंने कहा ये धमाल का करूँगा कहाँ जाके, मैं तो मुझे बढ़ाऊँ में जगह है ग्राउंड वहाँ जाके, ये अच्छा आइडिया कि स्कूल में बंद कर दे, बोले कि हमारा प्रोजेक्ट था और स्कूल भी उड़ जाए, तो बारूद ज़्यादा आने से नहीं होता कुछ, अगर इतना आसान होता तो ये लोग दो तीन मिठाई मिला के बना लेते, लेकिन वैसे ऐसा ये इतनी आसान लगती है बहुत, जो एक दावा था ना तो उन्होंने जासूस को पकड़ा, अब जासूस बल्कि नहीं एक फिल्म थी जिसमें उसको पकड़ा, टीवी पे पूछ लिया इंटरव्यू में बम वो कि तुम अपने झूठ का एतराज़ करो, तो उसने पूरा झूठ वो बम का फॉर्मूला दे दिया, अब हर गली में बम बन गए। अच्छा अब उनकी नज़र से गुजरी थी तो हाँ, लेकिन सोचने वाली बात है कि पता नहीं क्या चीज़ होगी उसके अंदर, कहते हैं एटॉमिक रिएक्शन होता है जो कि फटता है क्या, लेकिन ये कुछ तो ऐसा होगा ना जो कि सारी कंट्रीज नहीं बना पा रही है, नहीं नाम सुना है आपको, देखो जिसने भी बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर तुमने किसी का नेकी करी और तुम्हें उसका सिला नहीं मिला ना, तुम्हें तो तुम्हारी नेकी कबूल होगी, सुना है ये कॉल कि अगर तुमने किसी का नेकी करी और तुम्हें और इसी के भला की फरमाया ना, जिसके साथ भला करो उसके शर से बचो, यही होता है, अगर तुमने किसी खानदान वाले के साथ भी अच्छाई करी ना तो समझेंगे शायद इसको हमारी बेटी का मकसद होगा या मकसद होगा। नहीं तो जो ताजमहल का क्या हुआ था, ताजमहल बनाया था इतनी मेहनत से कि बादशाह की वाइफ, हाँ बादशाह हमारे बादशाह की वाइफ थी, इतनी प्यार से बनाया हुआ ताजमहल, हाथ काट के
आप ये देख लो चारों हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह को शहीद किया गया, मौला अली को शहीद किया, उस्मान गनी रजी अल्लाह को शहीद किया, कैसे शहीद किया गया वाकया देखें, बाकायदा घेरा करके उनके घर के अंदर बंद कर दिया था। तो ये तो देखो ये हाल हुआ है, बड़े बड़े बुजुर्गों का इस तरह शहीद किया गया। तो अब ये अब्दुल कदीर खान वगैरह तो उन्होंने ही था, ये वो है जिसका भला करो उसके अक्षर से ये बम ऐसे ही करते हैं। हालांकि अब्दुल्ला शाह गाजी बाबा के अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ो तो आप वहाँ आप इतने करीब नसब के हैं इमाम हसन रजी अल्लाह के, कि कहते हैं इमाम बाकर रजी अल्लाह तआला के चचाजा भाई, इस तरह का इतना करीब रिश्ता है। आप सिंध आए थे इज्जत करके, वहाँ तक आए थे आपको शहीद करने के, आपको यहाँ शहीद किया और क्या कहा कि भाई हम सिंध फतह करने आए थे, हम रहना वो हम तो ऐसे आए थे और उन्होंने हमसे वो किया था, सिंध के लोगों ने क्या बोलते हैं मारा मारी की थी तो हमने सिंध फतह कर लिया, बातें ऐसे। हालांकि पहले मैंने कलाम में सबको देखो देखो सबको शहीद किया गया और उनकी नस्लें मौजूद हैं। तो ऑन क्लिक के अंदर हमने जाके क्या लिखा, हैंडल एड टू कार्ट। देखो ना लोग कर्ज देते हैं किसी को, वो क्या करता है उसको बोला यार कर्ज नसीब है, उसको तो ऐसा लगता है कि पता नहीं शायद हैंडल एड टू कार्ट। अच्छा यहाँ पे मैं क्या पास करूँगा, आइटम के अंदर मेरे पास क्या है पूरा डेटा है उसे ऐड कर, मैंने यहाँ पास कर ली आइटम, ठीक है ये फंक्शन मैंने बना लिया यहाँ पे हैंडल, समझ लो ना। अभी देखो ये क्या है, जरा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। अभी क्या किया मैंने, एक फंक्शन बनाया है एड टू कार्ट का, जिसके अंदर मैंने कहा कि डेटा आएगा उसको कंसोल करो। ये फंक्शन मैंने कहाँ पास किया है, इस कार्ड उन्होंने पास कर दिया और उसको भी मैंने बोला तुम्हारे पास एक डेटा आएगा वो मुझे यहाँ ला के दे दो। इसको डेटा कहाँ से मिलेगा, कार्ड कंपोनेंट के अंदर जाते हैं, इस कंपोनेंट मैंने बोला है कि बटन के अंदर हैंडल एड टू कार्ड आ रहा है, हैंडल एड टू कार्ड आ रहा था उसके अंदर क्या पास कर देना, आइटम पास कर देना। जो आइटम यहाँ से पास होगी वो आइटम मुझे मिलेगी यहाँ पे और ये इस फंक्शन में मिल जाएगी और ये हमें कंसोल मिल जाएगी, समझ आ गया हम लोग। चेक करते हैं एड टू कार्ट का बटन क्लिक किया, डेटा में मुझे मिल गया सारा डेटा, कैसा सब देख रहे हैं ना। इसका आसान कैसे करें, नहीं तो क्या करें, यहाँ से कार्ड निकाला वहाँ डाला वहाँ से निकाला उस स्टेशन में डाला उधर से निकाला उधर डाला, पाइपलाइन बना रहे। हाँ बिल्कुल ठीक है ना।
कार यहाँ से घुमा घुमा के ला रहा ताकि वहाँ रेंट पर चल अब इसका आसान तरीका क्या है तो और कॉम्प्लेक्स होगा और फाइलिंग यूज होगी कभी इस तरह कभी इस तरह ये फंक्शन यहाँ से उठाया ये लाइन यहाँ से हटाई फॉर्मेट डॉक्यूमेंट में दिस ये सिंपल यही डायरेक्ट फंक्शन बना के खत्म यहाँ से हटा दिया कि यहाँ से आ रहा है हमने डायरेक्ट यही बना दिया एंड लेट टू कार्ट जो आइटम यहाँ पास करेंगे यहाँ मिल जाएगी क्लियर हो गया फिर यहाँ बनाने का नुकसान कुछ नहीं है वो कब काम आता जब हमें पेरेंट से कोई डेटा चाहिए होता ठीक है ना तो हम वहाँ बनाते लेकिन अभी कोई खास हमारा काम है नहीं हमारा काम तो लोकल स्टोर जैसे वो तो हमें हर जगह मिल जाएगी तो सिंपल है कि यही बना दो अब देखो ऐड टू कार्ट क्लिक किया वही डेटा आ रहा है बहुत आसान हो गया फिर अब क्या करना है वही लेट लिस्ट इक्वल टू जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई डॉट ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट डेटा अच्छा इससे पहले मुझे लोकल स्टोरेज सेट आइटम के अंदर ये मैंने पास कर दिया और मुझे सेट आइटम में कुछ वो तो चाहिए नहीं तो बस सही है मेरा आइटम सही हो जाएगा इस पर मुझे पहले वो लगाना पड़ेगा कार्ड लिस्ट सही है ना अब जब जिस आइटम पे क्लिक करूँगा वो ओवरराइड हो जाएगी ओवरराइड हो रही है इसका हल क्या था कि आप एक काम ये कर लो अभी मैं नहीं समझ रहा क्या हो रहा है लोकल स्टोरेज में ये वाला डेटा सेव हो रहा है जो हमें आइटम से मिल रहा है लेकिन हर दफ़ा इसके अंदर सेव हो जाएगा मतलब अगर पहले टीवी था तो टीवी आ गया कार तो कार आ गई अब हमें ये नहीं करना हमें पुश कराना है वो भी रहे ये भी रहे लेट चेक दिस थिंग डेटा इक्वल टू मैंने कहना कि दो चार लोगों ने यूनिवर्सिटी प्लीज करी थी अपनी सेमेस्टर सुकून में अभी वो चार समय बाद मारा कर लेंगे कंटिन्यू लेकिन उस वक्त बहुत सारी चीज़ें सीख चुकी होंगी आप लोग भी मशवरा है डेटा हाँ एक बात ये मशवरा देने का गुरेज करना चाहिए अक्का नाम तो मशवरे की जरूरत नहीं है और बेवकूफ़ को मानना भी है अच्छा ये आ गया हमारा चेक एग्जिस्टिंग डेटा का एक वेरिएबल और फर्स्ट ईयर वगैरह किसी को करना हो तो फिर वो क्लासिक बोर्ड ना करें दूसरा बोर्ड है ठीक है उससे करें बड़े स्कूल हो जाता है यार इनको बोलना अगर किसी को फर्स्ट या सेकेंड ईयर करना हो क्लासिक बोर्ड से ना करें दूसरे बोर्ड से करें स्कूल हो जाते 80-90% ये भी आ जाती है और कोई खर्चा भी नहीं है कोई वो भी नहीं है सिंपल सा तुम जाओगे बोर्ड में पेपर दो जाना चाहिए ऐसे जाओ क्या पैसा बचा है हाँ लैपटॉप भाई तुम लैपटॉप जाओ चेकिंग करने के लिए क्लासिक बोर्ड के अलावा जितने भी बोर्ड हैं अगर ट्राई कर टीचर हाँ बराबर है पेपर देते हुए बोरियत ना हो तो गाने भी चल रहे थे अरिजीत सिंह के है ना देखो ना यार तुम्हारे जितने भी सिविक सेंटर है सिविक सेंटर पर कितने लोग बैठे हैं सिंधी बैठे हैं सारे सिंधी क्लासिक बोर्ड वगैरह से नहीं पढ़ते जो वहाँ पे बैठे हैं उनके पीछे चलो ना
तुमने प्राची पोर्टी दे दिया, तुम्हारी परसेंट जाए 48 में सारी, तो क्या फायदा वो? सही बात है ना, अब तुम उसी जगह करते 80% आ जाती, भले खराब बोर्ड हो गए। अच्छा था किसी नर्सिंग में एडमिशन मिला था, बोर्ड भी लेते हुए 80 आए कह रहा है, तो प्राची बोर्ड से तो नहीं, ये नहीं थी। सर मैंने डबल इंटर किया पहला कराची से क्या होगा ना तुम्हें? दूसरा एक ग्रेड बनाता है। अच्छा दूसरे वाले में जो है 92% देख रहे हैं। और 92% आए नहीं ना, खर्च नहीं करना पड़ता बस। हाँ बिल्कुल खर्च नहीं करना, बिल्कुल पैसे नहीं मांगते आपसे। अच्छा चेक एग्जिस्टिंग डेटा इक्वल टू, और क्या था इधर? लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम कार्ड लिस्ट। नहीं हाँ देखो गेट आइटम मंगा रहे हो तुम लोग, नहीं हमें पहले पता करना है पहले से कुछ सेट तो नहीं हुआ। अगर सेट हुआ तो उसके उसको भी शामिल कर दें ना, वरना ओवरराइड हो जाए। इफ चेक एग्जिस्टिंग डेटा नॉट इक्वल टू नल, फिर क्या करो? अगर नल नहीं है इसका मतलब कोई डेटा है, डेटा है तो किस फॉर्मेट में होगा? स्ट्रिंग में होगा। लेट पार्ट्स डेटा इक्वल टू जेसन, हाँ अंग्रेजों में जेसन नाम होते हैं, मतलब लड़ू हैं जेसन नाम वो मार्क जैकबर्ग की जो कौन है, नहीं बेटी नहीं है उसका नाम तो बड़ा अजीब और गरीब है, अल्लाह माफ कर। मार्क जैकबर्ग की रिश्तेदार कजन है क्या है, बेटी है शायद, बोल रहा है उसका नाम देखना ना, तो नाम जेसन डॉट पार्ट्स चेक एग्जिस्टिंग डेटा। बहन है तो मैं देख भी लिया, वो एक बंदे उसको प्रोफाइल शेयर की थी। वहाँ मीनिंग ऐसी है ना, मतलब इसका अलग मीनिंग है, उर्दू में हमारा मैच कर रहे हैं। मेरी स्टोरी देखी थी मैंने, लगाई थी लर्न चाइनीज वाली, देखी तुमने? देखी थी लर्न चाइनीज वाली मैंने स्टोरी लगाई थी। साइन में जाके गाड़ी रोक के ट्रैफिक पे वो पूछ रहे चीचा चीचा, किसी को समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है, मैं तो बोले जा रहा हूँ। अच्छा डेटा पार्ट्स हो गया, अगर नल हुआ तो, अगर नल हुआ तो इसका मतलब डेटा हमारा कुछ भी नहीं है, तो आप एक आइटम सेव करो। अगर डेटा पहले से मौजूद है तो क्या करो? सेट आइटम कार्ड लिस्ट, डेटा जो लिखा है ना डेटा से पहले लगाओ कॉमा, और पुराना सारा डेटा स्प्लिट ऑपरेटर से स्प्लिट कर दो, क्या बोलते हैं स्प्रेड कर दो। पार्ट डेटा सारा आ गया यहाँ पे लाइन से, और नया डेटा भी आ गया, भूल हो गया, चलाते हैं भाई।
एग्जिस्टिंग डेटा को ज़रा कंसोल भी करा लेते हैं। मार्स सर्वर वाली बर्ड की वो नई प्रोफाइल पिक्चर देखी है, चेन वाली, चेन पहन के लाई, गोल्डन चेन पहन के चेक करो, कल रात को उसने बेट करी थी वो कोरंगी का लफंगा। अच्छा आइटम्स, अच्छा ये वाला जब भी आया ना वार्निंग, ईच चाइल्ड इन लिस्ट शुड बी यूनिक की ब्लॉक, इसका मतलब ये कह रहा है कि जो आपकी लिस्ट है उसमें सेम कंपोनेंट बन रहे हैं तो कोई आइडेंटिफिकेशन कर दो। जो हमारी जो हम जो मार्ट में जाते हैं सेम हमारे पास प्रोडक्ट होता है ना, जैसे शैम्पू ले लो सेम शैम्पू है सबका, लेकिन उसमें बार कोड में सबका कोड डिफरेंट होता है। अगर वो आप दोबारा लगाओगे उस पर स्कैनर पर तो नई प्राइस लगाओ, आपको दूसरा ही लगाना पड़ता है। मतलब की सब में डिफरेंट होती है, यहाँ तक कि इन प्रोडक्ट्स में भी, यहाँ भी आपको डिफरेंट करनी पड़ती है। हाँ ज़रा हाँ अभी है गायब हो जाएगा, ठीक है। अब चेक करते हैं ऐड टू कार्ड एग्जिस्टिंग डेटा नल। अब एग्जिस्टिंग डेटा आ गया हमारे पास, समझ आई क्या हुआ? पहले जब एग्जिस्टिंग डेटा नहीं था उसमें एक ऐड कर दिया लोकल स्टोरेज में, दूसरी जगह के लिए क्या जो पहले से मौजूद था वो मंगा लिया और दूसरा ऐड भी कर दिया होगा। चलो ये तो हो गई हमारी फंक्शनलिटी बिल्कुल परफेक्ट। हम जाते हैं अपने app.js पे, इधर बनाते हैं कार्ड, कार्ड card.js। अच्छा card.js से क्या होगा है, card.js से क्या होगा? अच्छा एक्सेस किससे हो रहा है? कार्ड के नाम से। अब मैं सारा होम का कोड अगर डाल दूं वहां पे चलेगा क्या? डिफरेंस होगा गेट डेटा के अंदर, गेट प्रोडक्ट से डेटा नहीं आएगा, कहां से आएगा? लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम कार्ड लिस्ट, ठीक है। और अच्छा जेसन डॉट पार्स तुम लोग अगर अमेरिका में होते हैं अभी केडी पहन के फुटबॉल खेल रहे होते हैं। जेसन नाम से याद आ रहा है जेसन। ये अगर मैं यहाँ खोल लूँ कार्ड, अब देखो ऐड टू कार्ड में कितनी आइटम आ रही, दो आ रही आइटम। हाँ सही कैसे बोलोगे? यहाँ बोल दो कार्ड, सिर्फ यहाँ बोल दिया कार्ड। इस कंपोनेंट के अंदर मैंने बोला अगर कार्ड हो तो अगर कार्ड ना हो तो ये बटन दिखाना वरना नहीं दिखाना। राइट होम में आए कार्ड मैंने यहाँ लिख दिया कार्ड कार्ड जहाँ जहाँ कुछ नहीं होगा वहाँ हवा तो होती है ना,
थोड़ा खाली हो, जो मार्क्स तो है वो एक चैप्टर था ना साइंस वन क्लास में, हर चीज़ जगह घेरती है चाहे चूटी क्यों ना हो, वो चूटी जितनी जगह तो लेगी। अच्छा यहाँ भी ये सीन है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ ट्रू होता है, ये सेम चीज़ है कि मैं ट्रू पास करूँ या खाली पेज। तो मैंने उसको बोला एक्सक्लेमेशन मार्क ट्रू ना हो तो जहाँ कार्ड टूट जाए होता है उसके कार्ड पास हो या एंडीफाइंड हो, सही है सब क्या हो गया है। अच्छा अब देखो मैं कौन सी चीज़ कार्ड करूँ, आइटम चिकन नेक्टो कार्ड कर दिया और यहाँ पे आके स्लैश कार्ड में गए चिकन आ गए कैसा रिमूव करना हो तो क्या करेंगे, ये तो लोग कैसे कर देना कैसे, क्योंकि मैंने किया था पहले। अब जाके हम ज़रा लिपस्टिक को भी, लिपस्टिक ज़रूरी है ना यार, और नेल पॉलिश भी और खाने पर गुजारा है उसके बगैर नहीं। ये ज़रा ये मंगा लेते अब अगर हम गए कार्ड पे दोबारा फ्लैश कार्ड तो सब आ गया था, ठीक है भाई एड टू कार्ड हो गया सेम एड टू पेमेंट भी हो जाएगा और सबको क्लियर रहता, कोई क्वेश्चन तो नहीं है।